सरकार ने 5G को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने न्यू टेलीकॉम पॉलिसी, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 या NDCP को मंजूरी दे दी है। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी के तहत देश में 5G सेवाएं साल 2022 तक शुरू हो जाएंगी, यानी अगले 4 साल में देश में 5G सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। पॉलिसी लागू होने से साल 2022 तक टेलीकॉम सेक्टर में करीब 40 लाख नई नौकरियाँ मिलेंगी। केंद्र सरकार ने हाल में नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 का ड्राफ्ट इशू किया था। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 में सभी को 50 Mbps स्पीड के साथ ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचाने का टारगेट है। केंद्र सरकार न्यू टेलीकॉम पॉलिसी से देश के GDP में सेक्टर की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 8% करना चाहती है। 2017 में टेलीकॉम सेक्टर की GDP में 6% हिस्सेदारी थी। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी से $100 अरब का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी को इस साल जुलाई में टेलीकॉम कमीशन ने मंजूरी दी थी। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट।